नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ राधिका। अन्ना द्रमुक पार्टी की प्रख्यात शख्सियतों एमजी रामचंद्रन और जय जयललिता को समर्पित एक मंदिर का मुख्यमंत्री के प्लानी स्वामी और उप मुख्यमंत्री ओ पनीर सेल्वम ने उद्घाटन किया। इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने मंत्रोच्चार और भजनों के बीच दोनों नेताओं की कांसे की प्रतिमाओं की आरती उतारी। बता दें कि तमिलनाडु के मदुरई में इस मंदिर में जयललिता और एमजी रामचंद्रन की 7 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसके आसपास शेरों की प्रतिमाएं हैं जो दोनों की मजबूत छवि को प्रतिबिंबित करती हैं। इन मूर्तियों की कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है। मंदिर को जनता के लिए खोला गया है। बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में मौजूद थे। प्लानी स्वामी और पन्नीर सेल्वम ने अपने संबोधन में दोनों दिवंगत नेताओं की प्रशंसा की और उनके कार्यकाल के दौरान शुरू किए गए कल्याणकारी उपायों को याद किया। आपको बता दें कि तमिलनाडु के राजस्व मंत्री आरबी उदय कुमार की देखरेख में इस मंदिर का निर्माण किया गया है। उदय कुमार को जयललिता ने ही पहली बार कैबिनेट मंत्री के तौर पर अपनी सरकार में शामिल किया था। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के निधन के 4 साल बाद भी आम जनता के बीच उनका समर्थन कम नहीं हुआ है। जयललिता की लोकप्रियता का फायदा उठाने के लिए राजनेता उनसे अपनी भावनात्मक निकटता दिखाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। गौरतलब है कि अन्ना द्रमुक प्रमुख जयललिता के निधन के बाद ये राज्य का पहला विधानसभा चुनाव है। बता दें कि जयललिता ने 5 दिसंबर 2016 को इस दुनिया से अलविदा कह दिया था। जयललिता ने अपने करियर की शुरुआत तमिल फिल्मों में एक्टिंग से की थी। उसके बाद वो राजनीति में आ गई थी। जयललिता तमिलनाडु की 5 बार मुख्यमंत्री रह चुकी थी और वो जनता के बीच बेहद लोकप्रिय नेता रहीं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।